दोस्तों पेन ईयर वाई में आज हम बात करेंगे दो नई अपडेट के बारे में। अगर आप पेन ईयर वाई का यूजर हैं और पेन ईयर वाई के दो नई अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों पेन ईयर वाई की नई अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे और पेन ईयर वाई की नई सर्विसेस जो है अभी ऐड हुआ है उस सर्विसेस के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अगर आप एक पेन ईयर वाई का यूज़र है, मतलब आप एक पेन ईयर वाई का रिटेलर या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और पेन ईयर वाई के बारे में नई जानकारी आपको मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि इससे आपका भी भला हो सके, ताकि पेन ईयर वाई के बारे में आपको भी कुछ जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देख के आप पेन ईयर वाई के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा किस तरह से आपको पेन ईयर वाई का आईडी लेना है, किस तरह से पेन ईयर वाई से बिजनेस करवाना है। तो ये पूरा डिटेल्स जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले बताते हैं पेन ईयर वाई एक ऐसी कंपनी है जिसकी मदद से आप किसी भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी बैंक पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या तो फिर किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज भी हमें मिल जाता है, जैसे कि फ्लाइट टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कैश कलेक्शन, बिल पेमेंट, टूर एंड पैकेजेस, इसके साथ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, गोल्ड लोन, बहुत सारे सर्विसेज आपको यहां से मिल जाता है। आप इसको लेके कंप्लीटली एक डिजिटल सर्विस अपनी शॉप में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं दो नई अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर आप पेन ईयर वाई में रिटेलर हैं और अपनी पेमेंट जो है उसको आप डेली मूव टू बैंक करते हैं तो ये झंझट अब खत्म हो चुका है। क्योंकि कुछ कुछ टाइम ऐसी हो सकता है कि आप जब मूव टू बैंक कर रहे हैं उस टाइम में बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से आपकी अमाउंट जो है वो अपनी बैंक में क्रेडिट होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए कंपनी ने अभी मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर ये एक नई सर्विस लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर और साइड में ये बैंक वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन नहीं लाया गया है। पहले तो बैंक था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड किया गया। या तो फिर आप चाहे तो कभी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को कैश पे कर सकते हैं, मतलब आपका पूरा दिन का जो कैश कलेक्शन हुआ है उस कैश कलेक्शन को आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भेज सकते हैं और उनसे चाहे तो मनी ट्रांसफ़र ले सकते हैं या तो फिर उनसे कैश ले सकते हैं। ये एक नई अपडेट है। तो चलिए दूसरा अपडेट के बारे में भी बता देते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि अगर आप रिटेलर हैं तो अगर आप अपने डेली ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत अच्छा करवाते हैं तो आपको एक नई ऑप्शन मिला होगा जो है कैश डिपॉजिट। ये ICICI बैंक की कैश डिपॉजिट वाला ऑप्शन, अगर आपको ये ऑप्शन मिल चुका है तो आप बहुत ही लकी है। कारण इससे अगर आप ICICI बैंक की किसी भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो यहां से जीरो चार्जेस से आप बैंक अकाउंट में अपनी अमाउंट को जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहे तो इसको लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं, हम अगले वीडियो में ये लाएंगे लाइव प्रूफ और ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बिना किसी चार्जेस से आप ICICI बैंक का अकाउंट होता है तो आप कैसे भी करके उसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है और उल्टा आपको घुमाकर यहाँ से कमीशन आपको दिया जाता है। चार्जेस यहाँ पे जितने आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका चार्जेस ना लेके कंपनी आपको रिटर्न पैसा जो है आपको कमीशन के तौर पे अपनी वॉलेट या तो फिर अपनी ट्रेड बैलेंस में रिटर्न करवाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस अपडेट, दोनों अपडेट के बारे में आज हम बात कर लिए। तो ये दोनों अपडेट आपको कैसे लगी है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये दो नए अपडेट जो है, ये दो नए अपडेट आपको मिला है या नहीं। अगर आपको ICICI का अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ये कैसा है और किस तरह से आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस दोनों नई अपडेट के बारे में आज हमने बात किए हैं, तो ये दोनों अपडेट आपको कैसी लगी है हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपकी पास ये ICICI बैंक ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ये आपको मिला है या नहीं मिला है। अब हमें जरूर कमेंट कर और उसके बाद हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको जरूर गाइड करेंगे किस तरह से आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपके पास मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय दोस्तों।